कुठेतरी आपल्या हार्ट, किडनी किंवा ह्याच्यावर काही ना काही त्याचे साईड इफेक्ट्स होत असतात, पण ते आपल्याला हळूहळू जाणवतात. मग ही औषधं आपल्यासाठी किती धोक्याची असतात हे आपल्या नंतर लक्षात येतं. आणि कोविड पासून आपल्या तर सगळ्यांनाच कळलं की खूप सारी लोक म्हणतात ना आयुर्वेदाकडे वळू लागलेत, म्हणजे आयुर्वेद किती फायदेयुक्त आहे हे लोकांच्या हळूहळू आता लक्षात पण आलंय. मग आपण जास्त काही न करता आपली जी रोजचं जे जीवनमान आहे ते साध्या साध्या गोष्टींमार्फत कसं बदलू शकतो आणि एक चांगलं हेल्दी लाईफ कसं जगू शकतो हे आपण यांच्या मार्गदर्शनाकडून मधून शिकणार आहोत. तर माझ्या सर्वप्रथम मी सरांचे आभार मानते की माझ्या विनंतीला मान देऊन ते इथे आले आम्हाला मार्गदर्शन देण्यासाठी. खूप खूप धन्यवाद सर. तर आता जास्त वेळ न घेता मी सरांना इथे बोलवते. प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द झूम डायस सर. ऑल राइट, थैंक यू सो मच गीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में आके आज यहाँ पर मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान है। मेरा पूरा नाम है अंकुर रलहन, और फिर मैं अपना जो अनुभव है पिछले 12-13 सालों से मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ उनकी जिंदगी के अंदर सेहत देकर उन्हें चेंज लेके आने, उनमें बदलाव लेके आने। राइट, सो आप लोगों का आज यहाँ पे वेलकम है, आपका स्वागत है। हम आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा गट के ऊपर। राइट, गट को कैसे हम रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, और इस गट जो है इसके साथ में हमारी कितनी सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं और कैसे हम उसको सुधार सकते हैं, कैसे हम ठीक कर सकते हैं, थोड़ा इस चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आज का एजेंडा बहुत सिंपल है हमारे इस पूरे प्रोग्राम का। आज हम गट के ऊपर बात करेंगे और उसके अंदर कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूंगा जो आप आज से भी शुरू कर सकते हैं अपनी जिंदगी में चेंज लेके आना, खाने पीने में या फिर आप आपके डेली लाइफ के अंदर। और उससे भी उसके बाद में फिर मैं आप सब लोगों के साथ में एक वन ऑन वन काउंसलिंग करूंगा, आज नहीं मे बी कल परसों, अपॉइंटमेंट सेट करके एक आधे घंटे का, जहां पर मैं आपको समझने की कोशिश करूंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट क्या है, और मेरे पास जो प्रोग्राम्स हैं उसके माध्यम से आपको हम कैसे वो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है इसको हम शुरू करते हैं विद अ प्रेजेंटेशन। पिताजी, खाली आप मुझे थम्स अप दिखाएंगे, दिख रहा है आपको स्क्रीन? जी सर. ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आप म्यूट कर सकते हैं। ओके, सो मेरा नाम अंकुर है और मेरी वाइफ का नाम नीलम है। नीलम जो है मेरी वाइफ, वो एक डॉक्टर है और मैं एक पोषक तत्व विशेषज्ञ हूँ। एंड हम दोनों मिलकर ये जो हमारी कम्युनिटी है हेल्थ की, हम इसको चलाते हैं जिसका नाम है स्टे फिट विद अंकुर एंड नीलम। ये जो हेल्थ कम्युनिटी है ये एक वेट मैनेजमेंट कम्युनिटी है जिसके अंदर हम हेल्दी लिविंग जीने के, फिटनेस के अलग अलग प्रोग्राम जो है वो रन करते हैं, और हमारी ये कम्युनिटी जो है उसको ताकत प्रदान करती है एक और बड़ी कम्युनिटी जिसका नाम है वेलनेस विला, जो फेसबुक पे है और इंस्टाग्राम पे है, और वहां पे से वो हमें बेसिकली एक्सरसाइज प्रोग्राम और बाकी डाइट प्लान, डाइट प्रोग्राम, बहुत सारे अलग अलग पूरे इंडिया के न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो है वो वहाँ जुड़े हुए हैं वेलनेस विला के साथ में, और हम सब मिलकर एक काम करते हैं इकट्ठा, और हम लोगों को हेल्प करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स को रन करते हैं सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का जो ये प्रोग्राम है वो भाग है, एक छोटा सा भाग है हमारे गट को रीसेट करने का। ठीक है, अभी गट क्या होता है थोड़ा पहले उसको समझते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, है ना। आपका कैमरा ऑन रखें अगर आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो, ताकि आमने सामने देखकर जब वार्तालाप होती है तो ज्यादा मजा आता है, सब कैमरे बंद होते हैं तो मजा नहीं आता है ना। पूरे सेमिनार के दौरान म्यूट पे रहिए, है ना, अनम्यूट मत करिए। आपके अगर कोई सवाल है तो वहां पर चैट के ऊपर आप वो सवाल रख दीजिए, अभी नहीं तो फिर मीटिंग खत्म, आज की ये सेशन खत्म होने के बाद लास्ट में मैं वो सवालों का जवाब दे दूंगा। और एक एक्टिव लिसनर बने, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बिकॉज हम लोग सब एक बंद कमरे में नहीं है। राइट, अगर हम एक सेमिनार हॉल में होते तो आपके पास डिस्ट्रैक्शन का चांस नहीं होता, आप मुझे कंटिन्यू सुन रहे होते। राइट, लेकिन अभी हम अपने घर में होंगे, कहीं बाहर होंगे, ऑफिस में होंगे, शायद आप ट्रेवल कर रहे होंगे, तो यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो आप कोशिश करें जितना ज्यादा आप एक्टिवली सुन सके, समझ सके जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये हो सकता है कि आपकी जिंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सके। राइट, चलिए। सो हमारा जो गट हेल्थ है, जो ये प्रोग्राम है, ये बेसिकली प्रोग्राम का क्या फोकस है और क्या इसका गोल है, ये 100 दिन का प्रोग्राम है टोटल, जिसमें से पहला 10 दिन जो है वो हम लोग गट रीसेट के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद 30 दिन हम इंटेंसिव फेज पे काम करते हैं, और 60 डेज होता है मेंटेनेंस फेज।
मेंटेनेंस फेज के बाद में अगर आप हमारा ये प्रोग्राम छोड़ भी देते हैं तो भी आपका जो भी रिजल्ट आया है आपके उसमें, वो आपको मतलब फिर से कैचअप नहीं होगा, ठीक है। आपको हम छोड़ते वक्त कुछ गाइडलाइंस दे देंगे कि जिंदगी भर कुछ चीजें हैं, कुछ नियम है खाने पीने के जो पालन करते रहेंगे तो फिर आप लाइफ लॉन्ग अपने आप को सेहतमंद रख पाएंगे, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है इसमें गट के ऊपर काम किया जाएगा, इसमें आपके लीवर के ऊपर काम किया जाएगा, और इसमें आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको इम्प्रोवाइज किया जाएगा। अब ये तीन चीजें ऐसी अहम है हमारे शरीर के अंदर, जिसके साथ में है ना हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां जो है वो जुड़ी हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो ये तीन चीजों को सुधार करने से आपका वजन जिंदगी भर के लिए अच्छा और सेहतमंद और हेल्दी रह सकते हैं। अगर आपको शुगर हो चुका है तो ये तीन चीजों के ऊपर अगर आपने काम किया, गट के ऊपर, लीवर के ऊपर, और आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव किया, तो आपका जो डायबिटीज है वो भी रिवर्सल हो सकता है, वो भी पीछे आ सकता है। अगर आपको थायराइड का चैलेंज है, अगर आपने ये तीन चीज के ऊपर काम किया तो वो थायराइड का जो हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ है बॉडी में वो भी आपको फिर से आ सकता है। आपको बालों को झड़ने की शिकायत है, आपको आपको अलग सुबह उठने के बाद में आपका अकड़न सी रहती है बॉडी के अंदर, या फिर शायद आप इतना फ्रेश फील नहीं करते, या फिर शायद आप बार बार बीमार गिरते हैं, हर मौसम चेंज होता है तो आप बीमार गिरते हैं, आपको ऑफिस में छुट्टी की अर्जी देनी पड़ती है ना, लोग भी कहते हैं अरे कितना बीमार गिरता है, या फिर शायद आपको डाइजेशन की समस्या है ना, सुबह उठने के बाद में आपका जो दिनचर्या का जो पहला काम होता है वॉशरूम में वो बराबर नहीं हो पाता है, तो आप पूरा दिन अपसेट रहते हैं। इस प्रकार की तमाम और बहुत सारी जो चीजें हैं ना वो हमारे गट, हमारे लीवर और हमारा जो इंसुलिन है उसके साथ में कनेक्टेड है। अगर हमने इन तीनों को सही कर दिया तो ये 100 दिन का जो पूरा प्रोग्राम है इसका मेन मकसद यही है कि हम आपके ये तीनों चीजों को सही कर दें। ये तीन चीज अगर सही हो गई तो आपके शरीर में टोटल हॉर्मोन्स का बैलेंस बन जाएगा और आप कंप्लीटली हर एक एंगल से हेल्दी बन जाएंगे, ठीक है। अब इनको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नेचुरल चीजें जो है, नेचुरल जो फूड है उसको कैसे खाएं, उसको कैसे हम अपने शरीर में लेकर आए, क्या समय पे खाना चाहिए, क्या टाइम पे खाना चाहिए, और कैसे उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें, लाइफ लॉन्ग कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब चीजों के ऊपर आज हम यहाँ पे चर्चा भी करेंगे और ये प्रोग्राम में आपको हम सिखाएंगे भी पूरा, ओके। सबसे पहले हम गट 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 कह रहे हैं बार बार, GUT, गट, ये गट क्या होता है, तो अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो आपका जो पूरा का पूरा पाचन सिस्टम है उसका एक डायग्राम आपके सामने इस वक्त रखा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो पूरा पाचन सिस्टम, जितने भी आपके शरीर के जो अंग हैं जो पाचन सिस्टम में हेल्प करते हैं, कौन सा अंग हेल्प करता है, हमारा पाचन शुरू होता है हमारे मुंह से। जैसे ही कुछ आप डालते हैं मुंह में खाने के लिए तो खाना आप चबाते हैं अपने दांतों से, और जो अंदर का जो थूक है ना, जो सलाइवा है, लार है, ये उसके साथ में मिक्स होती है, और मिक्स होने के बाद में वहीं से उसका डाइजेशन प्रोसेस जो है, पाचन क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। फिर हमारे जो फूड की पाइप होती है ना, खाने की नली होती है, उसमें जाता है खाना, और वहां से हमारे पेट तक पहुंचता है। तो ये हमारा सो ये हमारा फूड की पाइप है, और वहां से खाना हमारे पेट में आता है। पेट से आने के बाद में ये हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत, यहाँ पर खाना जाता है। तो ये छोटी आंत है और जो बड़ी आंत है, ओके, ये दोनों मिलाकर इसे कहते हैं अंग्रेजी में गट, GUT। इंटेस्टाइन भी कहते हैं, लेकिन गट एक कॉमन शब्द है जिसको साइंटिफिक भाषा में अगर हम बात करें तो ये आसानी से समझने वाली चीज है कि हम किसके ऊपर काम करें, हमारे गट के ऊपर काम करें, ठीक है। अब जो हमारा ये गट है, जो छोटी आंत या जो बड़ी आंत है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन जो है, इसमें एक बहुत चमत्कारी चीज है, और वो चमत्कारी चीज क्या है कि इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जी, बैक्टीरिया। वो जो बैक्टीरिया है ना, उसको कहते हैं गट माइक्रोबायोम, अंग्रेजी में कहेंगे गट माइक्रोबायोम, सरल भाषा में कहेंगे कि आपके गट में आपकी जो छोटी आंत और बड़ी आंत है उसमें बैक्टीरिया होते हैं। कितनी होते हैं बैक्टीरिया, कितने होते हैं ये, 20 ट्रिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन, अब जो इतने होते हैं गट। इतने पैसे अगर आपको मिल जाए तो आप जिंदगी भर सबसे अमीर बन जाएगा इस दुनिया के, लेकिन इतने सारे बैक्टीरिया जो हैं वो आपके गट में, आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत में पाए जाते हैं। अब ये 20 ट्रिलियन जो बैक्टीरिया है, इसमें टोटल 500 से ज्यादा प्रकार की प्रजाति है जो आपके गट के अंदर बैठी हुई है, आपके छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर बैठी हुई है। कितनी,
500 से ज्यादा प्रजातियां बैठी हुई हैं आपकी छोटी और बड़ी आंख में, राइट? जैसे गुलाब है, गुलाब की 12 अलग अलग प्रजातियां होंगी, राइट? तो वैसे आपके आंत में, छोटी और बड़ी आंत में 500 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो पड़ी हुई है, वो अंदर रखी हुई है, अंदर बैठी हुई है, राइट? वो क्यों है, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है हमारे प्रजातियों को, हमारे गट के अंदर इतनी सारी प्रजातियां क्यों है माइक्रोबायोम की? उसका एक ही कारण है कि हमारे शरीर में जितने भी अलग अलग प्रकार के जो हॉर्मोन्स हैं, अलग अलग प्रकार की जो प्रक्रियां हैं, सेहतमंद रहने की जो गतिविधियां होती रहती हैं, ये सभी हॉर्मोन्स, ये सभी गतिविधियां जो हैं, इनको बेसिकली क्या करना पड़ता है, इनको सही तरीके से काम करने में मदद करना पड़ता है। अब आज आपके सामने यहाँ पे स्लाइड पे मैं दो प्रकार के जो गट के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहला उसका नाम है बैक्टीरियोडाइटिस। बैक्टीरियोडाइटिस जो है ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है वजन को कम करने के लिए। बैक्टीरियोडाइटिस जो है इसकी वजह से, ये जो बैक्टीरिया है ये आपके वजन को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो एक दूसरा होता है उसका नाम है फर्मिक्यूटस। जो फर्मिक्यूटस है इसकी, ये वजन को बढ़ाने के लिए चाहिए होता है, राइट? सो एक बैक्टीरिया वजन कम करता है हमारे आंत में और एक बैक्टीरिया जो है वो वजन को बढ़ाता है। तो इस तरीके से हमारा जो संपूर्ण वजन का जो बैलेंस है वो ये दो प्रकार के बैक्टीरिया हमारी छोटी और बड़ी आंत में मौजूद होते हैं। और ये हमें उस प्रकार से, अगर इसमें से कोई एक को हमने निकाल दिया, मान लीजिए आपने बैक्टीरियोडाइटिस को निकाल दिया, तो फर्मिक्यूटस जो है इसकी गिनती इतनी बढ़ जाएगी कि आप है ना हद से अधिक मोटे हो जाएंगे। अगर आपने फर्मिक्यूटस को निकाल दिया तो बैक्टीरियोडाइटिस की इतनी गिनती बढ़ जाएगी कि आप हद से अधिक पतले हो जाएंगे। कुछ भी खाएंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप पतले 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 होते रहेंगे, ठीक है, राइट? अब जो बैक्टीरियोडाइटिस है इसे साधारण भाषा में कहते हैं गुड बैक्टीरिया, और जो फर्मिक्यूटस है इसे कहते हैं बैड बैक्टीरिया, राइट? जो गुड बैक्टीरिया है इसकी गिनती अगर बढ़ेगी तो आप सेहतमंद रहेंगे, आप हेल्दी वेट अपना पाएंगे, और अगर आपने बैड बैक्टीरिया की गिनती को बढ़ा दिया तो आपका वजन और बढ़ेगा, और आपको वजन बढ़ने से जो आगे आगे जाके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस की समस्याएं आती हैं, डायबिटीज आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है और तकलीफें आती हैं, ये तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, राइट? ठीक है। अब इसको गुड और बैड का नाम दिया है लेकिन एक्चुअली कोई गुड बैड नहीं है, दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो कितना बैलेंस होना चाहिए, वैज्ञानिक कहते हैं कि आपके शरीर में जो बैक्टीरियोडाइटिस है इसका 85% होना चाहिए रेशियो और 15% होना चाहिए फर्मिक्यूटस का रेशियो, तो आप एक बैलेंस्ड सेहत के ऊपर रहेंगे और हेल्थ पे रहेंगे, ठीक है। हम लोगों के केस में क्या होता है, हमारे दिनचर्या की जो, हमारे खाने पीने की आदतें ऐसी हो चुकी हैं कि जो वजन बढ़ाने वाला जो बैक्टीरिया है ना उसको बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, राइट? एंड जिसकी वजह से हमारा वजन बेकाबू हो जाता है ना, और थोड़ा सा भी खाया तो बहुत टाइट लगता है, अरे बहुत टाइट हो गया एकदम, है ना, पूरा आज गैस बन गई बहुत सारी। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपके जो बैड बैक्टीरिया है आप उनको देने वाला खाना अधिक मात्रा में खाते हैं। ये दोनों बैक्टीरिया का एक पसंदीदार खाना है, इनको जो पसंद आता है वैसे खाने हैं, ठीक है। जो अच्छे बैक्टीरिया है इनका खाना होता है प्लांट बेस्ड डाइट, मतलब जो पौधे हैं उनसे जो मिलने वाला खाना होता है वो इनका खाना होता है। जो गुड बैक्टीरिया है जो वजन को कम करने के लिए कारगर होते हैं, और जो फर्मिक्यूटस है जो वजन को बढ़ाते हैं, जो बैड गाइस, जो बैड बैक्टीरिया है, इनका खाना होता है एनिमल बेस्ड फूड, मतलब जो भी खाना, जो भी चीज एनिमल से, जानवर से निकलती है वो इनके लिए खाना होता है, राइट? नॉनवेज हो गया, या फिर दूध, या दूध के बने हुए जितने भी आइटम होते हैं, पनीर हो गया, चीज हो गया, दही हो गया, घी हो गया, ये सब आपके जो बॉडी में फर्मिक्यूटस है, जो बैड बैक्टीरिया है जो वजन को बढ़ाते हैं, ये उनका खाना है, उनको ये पसंद होता है ना। कभी कभी आपको इच्छा होती होगी ना, आज वड़ा पाव खाने का मन कर रहा है, तो ये वड़ा पाव खाने का मन आपका नहीं कर रहा है, ये आपके शरीर में जो फर्मिक्यूटस है इनका मन कर रहा है, राइट? बिकॉज वो आपको ललचा रहे हैं, आज खा ले तो, आज खा ले तो, ठीक है, राइट? तो उसी प्रकार से हम उनके फर्मिक्यूटस के निर्णय के ऊपर हम निर्भर रहते हैं, और हमारे खाने पीने के निर्णय हम चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो सेहतमंद नहीं रहता, ओके? तो ये जो पूरा प्रोग्राम है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके द्वारा मैं आपको लेकर जाऊंगा, ये प्रोग्राम का मेन मकसद ये है कि हम दोनों प्रकार के बैक्टीरिया का बैलेंस लेकर आ सके, हर प्रकार के बैक्टीरिया का हमारे गट में बैलेंस लेकर आ सके, हर प्रकार की प्रजाति का बैलेंस लेकर आ सके, और अपने शरीर को सेहतमंद बना सके। तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी गाइडेंस जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको ये पूरे प्रोग्राम के अंदर मिलती है, ओके? चलिए
चलिए आगे देखते हैं। सो ये कॉम्प्रोमाइज कैसे होता है, कैसे हम कौन से खाना हम ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो अच्छे बैक्टीरिया है वो मरने शुरू हो जाते हैं और जो बुरे बैक्टीरिया है वो बढ़ते हैं। सबसे पहले तो शराब, कोई भी ऐसा खाना जिसके अंदर अल्कोहल मिला हो, या कोई भी ऐसी प्रकार की बियर है, शराब है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं आजकल, कोल्ड ड्रिंक्स है ना, वो भी अल्कोहलिक बेवरेज बोलते हैं उसे, राइट। तो ये सब चीजें आपके शरीर के अंदर जो बुरे बैक्टीरिया है उसको बढ़ाता है, आपके गट में, आपकी आंत में जो खराब बैक्टीरिया है उनकी गिनती को बढ़ाने में मदद करता है। रिफाइंड शुगर, शक्कर जो है, शक्कर, रिफाइंड शक्कर, ठीक है, जो व्हाइट चीनी आपके घर में है वो कोई भी खाने में मिली हुई है, ये आपके बुरे बैक्टीरिया का सबसे पसंदीदार खाना है, जिसको बार बार, हम कहते हैं ना मुझे तो स्वीट टूथ है, मतलब मुझे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, आपको नहीं अच्छा लगता, वो आपके गट में जो बुरे बैक्टीरिया बैठे हुए हैं ना उनका खाना है वो मांगते हैं आपको। हमारे हमारा जो खाना है ना, हमारा जो स्वाद, हम बोलते जिसको, हमारा स्वाद खाली यहाँ तक सीमित होता है, जहां तक आपकी जबान खत्म हो जाती है ना अंदर, बस वहीं तक का स्वाद हमारा सीमित होता है। उसके बाद में जितना भी नीचे खाना है ना, वो हमारे गट में जितने अलग अलग बैक्टीरिया है ना उनका खाना है, तो इसके लिए वो मांगते हैं, ठीक है। कैफीन है ना, कोई भी कॉफी, चाय या कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप पीते हैं तो उससे आपके शरीर के अंदर जो बैड बैक्टीरिया है उसकी गिनती और बढ़ती है। मैं तो दिन में 6-6 कप चाय पी लेता हूँ, कितने लोग शान से कभी कभी बोलते हैं अरे चाय बना दे, चाय बना दे, चाय बना दे, राइट। चाय नहीं, आपका बैक्टीरिया, आपका गट, आपका शरीर को खत्म किया है, राइट। हमारे हिंदुस्तान में चाय, चाय क्या लगता है, हमारे इंडिया में लोगों को मालूम नहीं होगा चाय बना सकते हैं, मगर हमारे पूर्वज, कई वर्षों पहले के हमारे पूर्वज, उन्होंने कभी चाय वाय उगाई नहीं, चाय तो अंग्रेजों ने उगाई यहाँ पे आने के बाद। आप अमेरिका जाएंगे, आप इंग्लैंड जाएंगे, आप कनाडा जाएंगे, वहां पे आप चाय भी, ठंडा देश है, वहां पे चाय से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर चाय की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलराइट, ठीक है। सो चाय आपके बुरे बैक्टीरिया जो है इनको, इनकी गिनती को बढ़ाता है। अलग अलग प्रकार के ऑयल और सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, ऐसे फैट, ऐसी ऐसे ऑयल, ऐसी चीजें है ना जो कंप्लीट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बटर है, घी है ना, कोकोनट का ऑयल है, पाम ऑयल है, ये सब इसमें आता है, सैचुरेटेड फैट्स की कैटेगरी में आता है। ये सब आपके बुरे बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करता है। प्रोसेस्ड फूड है ना, जितना भी बाहर मिलने वाला फूड है, पिज्जा, बर्गर, पैकेट में मिलने वाला फूड है ना, ये सब आपने पैकेट खोला और खाना खाया, आपका जो बुरा बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर उसका खाना मिल गया उसको, एंड वो गिनती बढ़नी शुरू हो जाएगी आपकी आंत में। दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं है ना, वो सब आपके जो शरीर के अंदर जो बुरे बैक्टीरिया है, आज मेरे को गुलाब जामुन खाने का मन, आज मैं रसगुल्ला खाने का मन कर रहा, आपका मन नहीं कर रहा है, किसका मन कर रहा है, वो बैड बैक्टीरिया जो है आपके गट के अंदर, आपकी आंत में, उसका मन करता है ना। मीट, राइट, मीट जो है ये भी आपके बैड बैक्टीरिया जो है उसका बहुत पसंदीदार खाना है, उसको अच्छा लगता है ये खाना, राइट, और वो खाने से आपके बैड बैक्टीरिया की गिनती जो है वो और बढ़ती है, और बढ़ती है, राइट। एंड कम कम सोना, गलत समय पे सोना, लेट सोना है ना, ये भी आपके बुरे बैक्टीरिया को ग्रो करता है। और लाइफस्टाइल सही नहीं रखना है ना, खान पीना सही, समय नहीं है उठने का, सही समय नहीं है सोने का, तो ये सब आपके शरीर में जो बुरे बैक्टीरिया है उनकी गिनती को बढ़ाता है, उनके चीजों को आगे लेकर जाता है, नंबर्स को, ठीक है। तो एक अनहेल्दी गट, एक ऐसा, ऐसी आंत जो सेहतमंद नहीं है, तो उसमें क्या पाया जाता है, उसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया 15% पाए जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया 85% पाए जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो आपकी आंत अच्छी नहीं होती है, जब आंत अच्छी नहीं होती है तो क्या क्या समस्याएं आती है जी, जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है ना, जितने भी जॉइंट्स हैं, उंगलियां, हमारे घुटने के जॉइंट, कमर जॉइंट, गर्दन के जॉइंट्स, दर्द शुरू होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे आंत के अंदर बुरे बैक्टीरिया की गिनती ज्यादा है। हमारे हार्ट की तकलीफें शुरू हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, हार्ट अटैक तक पहुंचने की नौबत आ सकती है, हमारे ब्रेन को लेकर समस्याएं शुरू हो जाती है, दिमाग को लेकर, है ना। अरे कभी कभी लगता है मेरे को चीजें याद ही नहीं रहती, आपके बुरे बैक्टीरिया है ना उसकी गिनती बढ़ गई है आंत में, और वो डायरेक्ट कनेक्शन है आंत का ब्रेन के साथ में, डायरेक्ट कनेक्शन है। आंत जो है ना उसको हमारे शरीर का दूसरा ब्रेन, दूसरा दिमाग भी कहा जाता है, मेडिकल भाषा में सेकेंड ब्रेन कहा जाता है उसे, बहुत गहरा कनेक्शन है
है ना, चीजों को भूल जाना, कहाँ रखी थी याद नहीं है मुझे, गफलत महसूस करना, खोया खोया रहना, है ना। आजकल तो सुबह सुबह फ्रेश फील नहीं होता है क्योंकि सुबह उठने के बाद सर में भारीपन लगता है, राइट, या दिन भर के अंदर भी भारीपन लगता है। पहले तो एनर्जी से काम किया करते थे, अब वो ऐसा लगता है कि एकदम आलस जैसा भर गया दिमाग में। ये सब बुरे बैक्टीरिया आपकी आंत में है, उसका नतीजा है। आपके स्किन के ऊपर अलग अलग प्रकार के रैशेज आना, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स और समस्याएं आना, ये सब आपके बुरे बैक्टीरिया जो आंतों में बढ़ते जा रहे हैं ना, ये उसकी वजह से होता है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है, इम्यूनिटी, वो कमजोर हो जाना। आंत के अंदर आपकी और हमारी आंत जो है ना, आपको जानकर हैरानी होगी, जब मैंने भी पहली बार सुना और पढ़ा था, मेरे को बहुत हैरानी हुई थी। आपकी और हमारी आंत जो है ना, इसमें रोग प्रतिकारक शरीर की 70% रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी आंत में है, 70%। कैन यू बिलीव दैट? क्या आप सोच सोच के देखें, आप यकीन कर पाएंगे? हमारी छोटी और बड़ी आंत में 70% हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति मौजूद है, ठीक है। तो अगर वहां पर बुरे बैक्टीरिया ज्यादा है तो नेचुरली आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर रहने वाली है ना। बार बार बीमार पड़ेंगे आप, हर मौसम में बीमार पड़ेंगे। आपका मूड, आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा मूड, पहले अच्छा अच्छा फ्रेश फील करते थे, है ना, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं। छोटी बात के ऊपर भी बहुत चिंता होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके बुरे बैक्टीरिया इतने बढ़ चुके हैं कि वो आपको चिंता तक लेकर जाते हैं, आपके माइंड को रेस्ट करने का चांस ही नहीं देते। एंड नींद आपको कम आती है। आजकल मेरे को नींद नहीं आती, क्या करें? मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, सर रात को नींद नहीं आती तो मैं मोबाइल देखता हूँ या मोबाइल देखती हूँ, राइट। आप मोबाइल देखते हैं और सोने से पहले, उसकी वजह से भी और नींद नहीं आने वाली है, वो बात अलग एक है, मगर उसके पहले आपकी आंत में इतने सारे बुरे बैक्टीरिया भर गए हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। ओके, ठीक है ना, क्योंकि आपको अस्त व्यस्त महसूस होता है ना, तो एकदम तकलीफ है ना, पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है लाइफ में। और नेचुरली आपका वजन वो बढ़ना शुरू हो जाता है जब आपके बैक्टीरिया की गिनती आपकी आंत में ज्यादा होती है, डाइजेशन की समस्या आ जाती है, खाना पचता नहीं है, हर प्रकार का खाना पचता नहीं है, है ना। आपका मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, आपने कुछ खाया और वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में बदल गया, है ना। आपने रोटी खाई, रोटी से शक्ति मिली, अब ये शक्ति कम मिलेगी अगर आपकी आंत के अंदर बुरे बैक्टीरिया है, तो रोटी का भी फायदा नहीं है, सब्जी का भी फायदा नहीं है, क्योंकि उसका जो उससे जो शक्ति मिलने वाली थी उसकी गिनती कम हो जाती है, ठीक है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है और आपको फिर भूख और लगती है, बिकॉज आपने खाया भर पेट के, भर पेट आपने खा लिया, खाने के बाद भी मीठा खाने का मन करता है। सोच के देखो, भर पेट खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है, क्यों? कभी सोचा है ना, इतना भर दिया पेट में एकदम, ऐसे एकदम धकार मार के पूरा, फिर भी मीठा खाने का मन करता है, क्यों करता है? क्योंकि आपके शरीर को इसमें इतने बुरे बैक्टीरिया बढ़ चुके हैं गिनती, कि वो बुरे बैक्टीरिया जो है ना, वो आपके खाने को हजम होने से पहले ही बता देते हैं, भाई तेरे को पूरा एनर्जी नहीं मिलने वाला है, तो शरीर को लगता है इसने तेरे को दिया ही नहीं कुछ खाने के लिए, इसलिए मीठा खाने का मन करता है। अगर आपके बैक्टीरिया सही हैं तो मीठा खाने का मन नहीं करेगा आपको, ओके। चलिए अभी हम समझते हैं कि एक सेहतमंद आंत और जो आंत सेहतमंद नहीं है, इसमें क्या फर्क होता है। अगर आपकी आंत सेहतमंद नहीं है तो आपको क्या महसूस होगा? आपको फूड की सेंसिटिविटी होगी। फूड की सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि आपने, जैसे हम, आपने कभी सुना होगा ना, मैं गाजर खाता हूँ तो वो हजम नहीं होता, बीटरूट खाता हूँ तो वो हजम नहीं होता, सर मैं वो खाना खाता हूँ ना वो हजम नहीं होता, वो बहुत तकलीफ देता है, इसको बोलते हैं फूड सेंसिटिविटी, ओके। तो ये आपकी, अगर आपको इस प्रकार की कोई फूड सेंसिटिविटी है, कोई खाने से आपको एलर्जी है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आंत सेहतमंद नहीं है। हर खाना खाने के बाद पेट मेरे को मेरा फूला फूला लगता है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी आंत सेहतमंद नहीं है, ठीक है। मेरे को बराबर से सुबह सुबह दो नंबर नहीं आता है, बराबर नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा है और पूरा दिन भर एक्स्ट्रा गैस रहती है पेट के अंदर, अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी आंत सेहतमंद नहीं है। खाना खाने के बाद में भी अच्छा महसूस नहीं करता मैं, बहुत थका थका खाना खाने के बाद भी अच्छा महसूस नहीं करता, आपकी आंत सेहतमंद नहीं है। आपको स्किन में एक्जिमा हो रहा है, एक्ने आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के पता नहीं फोड़ियां पैदा हो रही हैं, आपकी आंत अच्छी नहीं है, सेहतमंद नहीं है। आपको सोने के वक्त डिस्टरबेंस होता है, रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, है ना, 1 घंटा सोए फिर आंख खुल जाती है, फिर 2 घंटा नींद नहीं आती, फिर आप एक हफ्ते नींद आती है, आपकी आंत सेहतमंद नहीं है।
आपको कांस्टेंट फटीग होता है। इसका मतलब क्या है कि लगातार दिन भर के अंदर थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो हाँ मैं दम लो, ओके है ना, थकान लग रही है, ठीक है। सो आपकी आंत सेहतमंद नहीं है और आपको माइंड से मेंटल हेल्थ बैलेंस नहीं होता, ठीक है। आपकी आंत सेहतमंद नहीं है, इम्यून सिस्टम रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर रहती है ना, थोड़ा सा भी कहीं पर गए है ना तो आपको सर्दी जुकाम पकड़ लिया, आपको बीमारी पकड़ गई, इसको वो आपकी आंत सेहतमंद नहीं है। और सेहतमंद आंत क्या होती है, जितना भी ये चीज बताया उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। अच्छा, वो सेहतमंद आंत होती है, राइट। सो अगर ये सब कुछ प्रॉब्लम्स इसमें से कुछ भी एक आधा चीज भी आप फेस कर रहे हैं तो आपको सीरियसली काम करना चाहिए आपकी आंत को आज ही से ही रिसेट करने में, है ना, सेट करने में, ठीक है। अभी गट रिसेट क्यों करना है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आपके और मेरे पास, हम सबके पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप है घर में, कभी कभी क्या होता है कि ये थोड़ा स्लो काम करता है या शायद अटक जाता है, फोन अटक जाता है। अटक गया तो क्या करते हैं जी, हम उसको स्विच ऑफ करते हैं और ऑन करते हैं, तो क्या हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, उसको बोलते हैं रीसेट करना, करेक्ट। अब आपकी और हमारी आंत तो है, उसको तो हम ऐसे नहीं कर सकते तो स्विच ऑफ करेंगे 2 घंटा आंत तुमको बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको रिसेट करना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल और खाने पीने में बदलाव लेकर, ठीक है। तो ये जो गट रिसेट है ये आपको हेल्प करेगा, आपके शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक पैरामीटर्स हैं, मेटाबॉलिक मतलब जो भी आप खाना खाते हैं उसमें से, खाने में से जितनी भी शक्ति निकलनी चाहिए, पोषक तत्व निकलने चाहिए, उसको सही करने में हेल्प करेगा ये गट रिसेट का प्रोग्राम, ठीक है। आपको आपके आपके हाइट के हिसाब से जो आपका वजन होना चाहिए उस वजन तक लेकर आने में मदद करेगा ये गट रिसेट प्रोग्राम। ये आपके पाचन क्रिया को नॉर्मल करने में हेल्प करेगा, सही करने में हेल्प करेगा ये गट रिसेट प्रोग्राम। आपके मूड को, है ना, आपके मूड को अच्छा करेगा, अंदर से हैप्पी हॉर्मोन्स निकालेगा, खुशी वाले हॉर्मोन्स को निकालना शुरू करेगा, जिसकी वजह से एक पॉजिटिवनेस, एक सकारात्मकनेस जो है वो पूरे आपके आसपास में फैली रहेगी। ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा, ये प्रोग्राम आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत करने में हेल्प करेगा, ये प्रोग्राम आपकी नींद की जो क्वालिटी है, सोने की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करेगा। सोना मतलब गोल्ड नहीं है, स्लीप, ठीक है, राइट। तो सोना, वाह, ओके। सो अच्छी हैबिट्स, अच्छी आदतें जो हैं, जो हमें हेल्प करेंगी जिंदगी भर अच्छी रहने के लिए, ये उनको हेल्प करेगा सही रखने में, है ना। बुरी बुरी आदतों को पहचानेंगे, उसको खत्म करेंगे, ठीक है। अब ये जो गट, ये जो 100 दिन का प्रोग्राम मैंने बताया था शुरुआत में आपको, इसमें जो पहला 10 दिन है उसमें होता है गट रीसेट, ठीक है। अब ये 10 दिन क्यों चाहिए होता है गट को रीसेट करने के लिए, क्योंकि एक संस्था है उसका नाम है IFFGD, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, IFFGD। ये जो संस्था है, ये संस्था रिसर्च करती है और रिसर्च करके इसमें वैज्ञानिक है काम करते हैं, ये बताते हैं कि जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं वो खाने को शरीर में जाने से लेके नीचे से कंप्लीटली निकलने तक, उसका संपूर्ण निकलने तक 5 दिन का समय लगता है, 5 दिन मैक्सिमम। तो इसीलिए 10 दिन का टाइम हमने रखा गट को सेट करने के लिए, ठीक है ना। एक हफ्ता लगता है आपके डिटॉक्सिफाई करने में, जितने भी आपके टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, केमिकल पैदा होते हैं इसके अंदर, उसको बाहर निकलने में 7 दिन का समय लगता है, हफ्ते भर का समय लगता है, एंड यूजुअली 7 से 10 दिन का समय लगता है सही तरीके से सब कुछ अच्छा करने में, ठीक है। तो सबसे पहला 10 दिन जो गट रिसेट होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहला काम ये होगा कि भाई आपके शरीर में जितने भी पॉइजन है, मतलब जितनी भी चीजें जो टॉक्सिन्स डेवलप हो चुके हैं, जहर बन चुका है शरीर में बहुत सारा, उस जहर को हम निकालेंगे बाहर, 10 दिन लगेंगे उसको निकालेंगे, और वो निकल गया, आपका शरीर जो है ना बड़ा जबरदस्त एंड तंदुरुस्त एंड सेहतमंद महसूस करेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे हम ये काम, ये काम हम करेंगे 4 स्टेप से। पहला स्टेप हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमें हमारे डाइट में, हमारे खाने पीने में जो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है उसको निकालना होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है जी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है सफेद ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, पिज्जा, ठीक है, पास्ता, पेस्ट्री, है ना, सफेद आटा, सफेद चावल, स्वीट, कोई भी प्रकार का मीठा, ठीक है। ब्रेकफास्ट में हम अलग अलग प्रकार के सीरियल्स लेते हैं, आजकल ऐड आती है बहुत सारी, है ना, तुम ओट ले लो, तुम ये ले लो, ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड का मतलब क्या होता है, नेचुरल होता है क्या, नेचुरल, अगर कुछ उगा उसको बोलते हैं नेचुरल,
उसको फिर मैंने कोई फैक्ट्री में जाकर उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया और उसको मैंने एक नया चीज बना दिया, उसको बोलते हैं रिफाइन कर दिया मैंने इसको। तो ये रिफाइन किया हुआ चीज जो होता है इसमें केमिकल होता है, इसके अंदर नुकसानदेह चीजें होती हैं जो हमें निकालना होगा, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए कुछ, ठीक है। हमें कम करना होगा सैचुरेटेड फैट्स, क्या कम करना होगा, एग्जाम्पल देता हूँ, बटर, घी, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, केक, बिस्किट्स, मीट, मीट के फैटी कट्स, मीट के फैटी कट्स, क्योर्ड मीट, है ना, आजकल वो आता है ना, आप ऐप पे बटन दबाओ घर पे डिलीवर होता है मीट, प्रोसेस्ड होता है मीट कंप्लीटली, राइट, है ना, आपको पैकेट में से खोलना पड़ता है, दैट इज नॉट हेल्दी, ओके, है ना, चीज, पेस्ट्रीज, क्रीम, आइसक्रीम, कोकोनट मिल्क, मिल्क शेक्स, चॉकलेट, चॉकलेट स्प्रेड्स, ये सब हमें निकालने होंगे, हमें हमारे डाइट से बंद करने होंगे। ऑल राइट, ठीक है, टेंशन तो नहीं आ रहा ना किसी को, भैया चॉकलेट गया। ऑल राइट, ठीक है, ओके, आपको इसको, ये पहला स्टेप था, ये जो भी आप निकालेंगे इसको आपको रिप्लेस करना है, मतलब इसकी जगह पर क्या खाना है, इसकी जगह पर खाना है हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बो मतलब क्या, ब्राउन चावल, ब्राउन राइस आप ले सकते हैं, होल व्हीट, संपूर्ण आटा जिसको बोलते हैं आप वो ले सकते हैं, आप उसको वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो अलग अलग प्रकार की दालें हैं उसके माध्यम से इसको हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा, हमें रीबैलेंस करना होगा, क्या करना होगा, रीबैलेंस हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया की गिनती को बढ़ाना होगा, कैसे बढ़ाएंगे, जब हम फाइबर से परिपूर्ण खाना खाएंगे, फाइबर से परिपूर्ण खाना बहुत सारे हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं, जिसके अंदर अच्छी मात्रा का प्रीबायोटिक्स हो, फॉर एग्जाम्पल एलमंड्स है, केला है, कैबेज है, तो ये सब हमें हेल्प करेगा जब हम अच्छी मात्रा से, इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, दो तीन एग्जाम्पल ही खाली बता रहा हूँ आपको इस वक्त, ठीक है। और हमारे बॉडी को लास्ट स्टेप है कि हम रिसेट करेंगे, पूरा का पूरा संपूर्ण रिसेट करेंगे, आपके गट के जो सेल्स हैं, आपकी जो आंत में जो कोशिकाएं हैं उसमें कुछ डैमेजेस अगर हो चुके हैं तो उसको हम लोग ठीक करेंगे, ये सब प्रोसेस के अंदर, ये सब खाने चेंजेस करने से, और आपको तुरंत महसूस होना शुरू होगा, पहले 10 दिन के अंदर ही लोग 2 किलो के आसपास वजन लूज कर देते हैं, 10 दिन के अंदर ही आराम से, एक्सरसाइज नहीं भी किया तो भी, जबकि एक्सरसाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। तो 4 चीजें हैं हमारे ये गट प्रोग्राम के मेन अहम पिलर, सबसे पहला है सप्लीमेंट, सप्लीमेंट क्या होता है जी, कुछ ऐसे पोषक तत्व जो हमारे खाने से हमें नहीं मिलने वाले तो उसे हम बाहर से सप्लीमेंट, नेचुरल सप्लीमेंट्स के द्वारा उसे हम पूरा करेंगे, अब ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है, इसलिए इसको मैं कॉमन तरीके से यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, जब आपका मैं पर्सनल काउंसलिंग करूंगा तब तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। सेकेंड, खाने पीने की अच्छी आदतें, सेहत अच्छी और हेल्दी हैबिट्स, उसको हम डेवलप करेंगे, उसको हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड, हम करेंगे एक्सरसाइज, है ना, पर्सनली मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने अपने आप को सेहतमंद कैसे रखना है, सिंपल सिंपल एक्सरसाइज कराएंगे आपको, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हम कराएंगे मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब ये है कि आपके माइंड को पूरा दिन यहाँ वहाँ दिमाग भटका है ना, इतने लोगों का दिमाग ने कचरा अपने दिमाग में लिया है ना, कितना कुछ सोच सोच के बेचारा परेशान सा, थका हुआ सा, रात को नींद नहीं आ रही, तो अब आधा घंटा रात को सोने से पहले करेंगे हम मेडिटेशन, ओके, ठीक है। और उसके ये 4 चीजों से करने से हमारे गट रिसेट के प्रोग्राम का ये हिस्सा बनता है, ठीक है। आज से आप शुरू कर सकते हैं, अपनी हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस चालू कर सकते हैं, राइट, है ना, फाइबर रिच फूड है, होल ग्रेन है, जितना ज्यादा हो सके फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है वो खाइए, फर्मेंटेड फूड जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, है ना, ये आप खाना स्टार्ट करें, एवरी डे आप अपने डाइट में डाल सकते हैं इसको, ओके। सेहतमंद फैट्स, स्पाइसेस, हर्ब्स, आप ऐसा कुकिंग मेथड चालू करें, मतलब खाना बनाने की जो आपकी प्रक्रिया है वो आप उसको ऐसा बनाएं कि जिसके अंदर, है ना, तेल कम मात्रा में लगे, और वो ऐसे बर्तनों को आप इस्तेमाल करें जिसके अंदर, है ना, संपूर्ण कुकिंग हो। नॉर्मल हमारे बर्तन में क्या होता है कि एक तरफ से अधिक पक जाता है, एक तरफ से कम पकता है, इसके लिए जहां से अधिक पकता है वो जल जाता है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है हमारा खाना, सब बराबर इक्वल नहीं होता, संपूर्ण नहीं होता, तो हमें ऐसे बर्तनों का चुनाव करना चाहिए कि जो हमारे खाने को प्रॉपर तरीके से हर जगह से उसको अच्छे से कुक कर सके, ठीक है। और सबसे अच्छा रास्ता है, बेस्ट और सेहतमंद रास्ता है कि स्प्राउटिंग, अंकुरित खाना, मेरा नाम अंकुर है, ठीक है, मुझे मत खाना, लेकिन ऐसा खाना, ऐसे बीज जिसमें से अंकुर निकलते हैं, राइट, जिसमें से अंकुरित होते हैं, तो आप जब ऐसी दालें, ऐसे आप जो चीजें हैं, आप स्प्राउट्स जो होते हैं उसको आप खाएंगे तो वो आपके गट के लिए बहुत सेहतमंद होता है,
बहुत आपको हेल्प करे, है ना। कभी कभी लोग मेरे को बोलते हैं सर टिफिन में क्या लेकर जाओ बाहर, कह अरे ये अंकुरित चीजें होती है ना वो लेकर जाओ, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दो ऊपर से अपने, या नींबू निचोड़ दो, नमक छोड़ दो, नींबू निचोड़ के बाहर गए नींबू ले जाओ, नींबू निचोड़ दो उसको खा लो आप टिफिन के अंदर, है ना। भारी भारी कुछ लेके जाने की जरूरत ही नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत सेहतमंद है, पूरा दिन खा सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ में जो पानी है ना, पीना, पानी पीना 2 लीटर पानी है, रोज पीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे गट के लिए, बहुत बहुत अलग अलग प्रकार के मदद करता है, ठीक है। टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करेगा, डाइजेशन जो भी खाना खाया उसको सही तरीके से आगे पीछे जाने में हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करता है। और फिर हम करेंगे फिजिकल एक्सरसाइज, है ना, अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज है हमारे पास में, योगा भी है हमारे पास में, हमारे पास में जुम्बा भी है, हमारे पास में स्ट्रेंथ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्सरसाइज हमारे पास प्रोग्राम हैं जो आपके गट बैक्टीरिया को अच्छा करेंगे, आपके शरीर के अंदर खुश होने वाले जो हॉर्मोन्स है ब्रेन में उसको निकालने में हेल्प करेंगे, ठीक है, राइट। और ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको बताया मेडिटेशन के बारे में, ये आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करता है मेडिटेशन, है ना। जब से मैंने करना शुरू किया मेडिटेशन, मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आती है, उसके पहले बहुत लेट तक नींद आती थी, लेकिन तब से मेरे को बहुत अच्छी नींद आनी शुरू हो गई जब से मैंने शुरू किया पर्सनल मेडिटेशन करना, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली प्रोग्राम है। एक चीज जो आप आज से और शुरू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जी, खाना धीरे धीरे खाना शुरू करिए, ईट स्लोली, हमें खड़े होके फट 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 खाने की आदत है, बैठ कर खाइए, खड़े होकर मत खाइए, खड़े होकर पानी मत पीजिए, बैठ के पीजिए, ऑलराइट। पानी कैसे पीना होता है, पानी जब आप एक सिप सिप करके पीना, सिप आपने लिया मुंह में गया और पूरे मुंह में घुमाइए उस सिप को, वो जो लार है ना, लार आपके इसकी थूक है जो मुंह के अंदर, वो उस पानी में मिक्स होनी चाहिए और मिक्स करके फिर स्टमक में पेट में जानी चाहिए, क्यों, बिकॉज पेट के अंदर है एसिड, हमारी लार जो है उसके अंदर है उसका ऑपोजिट अम्ल, अम्ल और एसिड जब मिलता है तो पीएच बैलेंस पेट का नॉर्मल होता है, ज्यादा एसिड नहीं होगा, ज्यादा अम्ल मिक्स होगा, राइट, ठीक है। तो ये हेल्प करता है ना। अच्छे से खाना शुरू करें, छोटा छोटा पीस खाने का शुरू करें, बड़ा एक साथ में चम्मच लेके नहीं, और जब भी चम्मच, एक चम्मच आपने लिया चम्मच को रख दो नीचे, पूरा चबाया अंदर गया फिर चम्मच को हाथ लगाओ, जब चम्मच आपने एक लिया और हाथ में चम्मच है तो दूसरा चम्मच भी उठाने की घाई होती, तो ये जो खाया हुआ है ना वो चबता नहीं है, अंदर जाता नहीं है बराबर से, फिर वो आधा अधूरा जाता है चबा हुआ, ठीक है। और खाना खाते वक्त मोबाइल और टीवी मत देख, परिवार से बातें करते करते खाइए, राइट, है ना। पिछले ही महीने में मैं मेरी फैमिली के साथ में गया था होटल में, और कुछ गेट टुगेदर था, हम गए वहां पे, तो मैंने वहां पे एक बहुत अच्छा सीन देखा, है ना, हस्बैंड वाइफ और दो बेटे वो टेबल के ऊपर ऑर्डर करके खाने का वेट कर रहे हैं, खाने का आते आते उन लोगों को मेरे ख्याल से 15 से 16 मिनट हो गए होंगे, और 15 से 16 मिनट वो चारों जन अपने अपने मोबाइल के ऊपर थे, है ना। क्या आपको मालूम है आपके बेटे और आपकी बेटी की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या आपको पता है कि आपके वाइफ और हस्बैंड की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या आपको पता है कि आपके माता पिता और आपके भाई बहन की लाइफ में क्या चल रहा है, ये बातें करने से मालूम पड़ रहा है। तो जब ऐसे मौका मिलता है खाना खाने का तो वो मोबाइल के अंदर और टीवी देखते वक्त नहीं, मत देखिए। मुझे एक बहुत बुरी आदत थी खाना खाते वक्त न्यूज देखने का, न्यूज, है ना, एक तो खाना खाते वक्त टीवी, ऊपर से कचरा न्यूज के अंदर, दिमाग का कचरा, ठीक है, क्या उखाड़ने वाला हूँ न्यूज देख के, है ना, इसराइल ने ये कर दिया, आपने क्या उखाड़ लिया, कुछ उखाड़ सकते हैं आप, तो क्या को सुनते रहने का बार बार, है ना, ये गवर्नमेंट ने वो कर दिया, वो गवर्नमेंट ने वो कर दिया, वहां पर इसका कत्ल हो गया, तुम क्या करने वाले हो, कुछ नहीं, खाली सुन रहे, और फिर अपने घर पे जाके आजू बाजू के साथ डिस्कशन, तुमको पता है ये हुआ, दूसरी बार रिपीट किया, तीसरी बार रिपीट किया, इससे स्ट्रेस, एक तो जिंदगी में ऐसे ही खुद का स्ट्रेस है, ऊपर से दुनिया का भी स्ट्रेस लेके बैठने का, ठीक है। तो खाना खाने का चैन से, इत्मीनान से, परिवार से बात करते करते खाने का, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्शियस ईटिंग, ओके। चलिए एक और काम आप कर सकते हैं, जब आप सोने का जो आपका टाइम है उसके 2 घंटे पहले आपका खाना खत्म हो जाना चाहिए, अगर 11:30 बजे सोने वाले हैं तो 9:30 बजे खाना खत्म हो जाना चाहिए, वेरी सिंपल, ओके। एंड सोने से पहले मेडिटेट करिए, बहुत अच्छी बात है, गर्म पानी से नहाने का सुविधा है तो गर्म पानी से नहाने नहाइए सोने से पहले, बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, है ना, बहुत रिलैक्स मतलब फील होता है, ठीक है, राइट। जब ये सब कुछ हम करना शुरू करेंगे तो ये प्रोग्राम में क्या होगा, ये बैलेंस ऐसे हो जाएगा,
85% आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया आ जाएंगे, गुड बैक्टीरिया, और 15% आपके शरीर में हो जाएंगे बैड बैक्टीरिया। ये जब हो जाएंगे तो आपके जॉइंट्स जो हैं वो दर्द खत्म हो जाएगा, आपके हार्ट की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी, आपके ब्रेन को लेके जो गफलत ये वो सब चीजें होती हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, आपके स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी मजबूत बन जाएगी, आपके मूड अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रेस लेवल्स कम होने शुरू हो जाएंगे, नींद आपको अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, और आपका वजन नॉर्मल हो जाएगा, हाजमा अच्छा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल्स, क्रेविंग नहीं होगी, ये सब कुछ सही हो जाएगा, राइट? तो ये हमारा गट रिसेट का प्रोग्राम है जिसको हमको बेसिकली करना है, धीरे धीरे हम इसको फॉलो करते हैं, राइट? एंड इसका सबसे मेन जो पिलर है वो ये है कि इसमें हम आपको गाइड करते हैं, आपका जो मील प्लेट है, आपका जो खाने का प्लेट है, थाली, वो कैसा होना चाहिए, आपके थाली में 50% होना चाहिए वेजिटेबल या फ्रूट, फल या सब्जी, आपके थाली का 50% हिस्सा होना चाहिए, 50%। आपके थाली का 25% हिस्सा जो है वो होना चाहिए प्रोटीन, प्लांट से मिलने वाला प्रोटीन, और 25% होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो होल सीरियल्स एंड ग्रेन्स हम जो बात कर रहे थे वो होना चाहिए 25%। अब ये आप कैसे तय करेंगे ये बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसके लिए जब मेरे साथ इस प्रोग्राम पे आप आएंगे तो एवरी डे आप जो लंच करने बैठेंगे तो खाना खाने से पहले फोटो खींच के, फिर खाना खत्म करने के बाद फोटो मेरे को भेज देना, खाना खाने के बाद फोटो मत खींचना, बचेगा ही नहीं कुछ थाली के अंदर, खाली थाली होगी, राइट? लेकिन खाना खाने से पहले फोटो खींच के मेरे को भेजने का व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा आपके साथ कि देखो जी ये थाली के अंदर हमें क्या चेंज लेकर आना है, क्या बदलाव लेकर आना है, और वो थाली का चेंज, जैसे यहाँ पर हम सब वेस्ट में है, मतलब हिंदुस्तान ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम लोग मुंबई में है तो वेस्ट में आते हैं, तो यहाँ पर एक सैंपल है, खाने का सैंपल है, ब्रेकफास्ट में थाली पीठ ले सकते हैं, वेजिटेबल जवार उपमा ले सकते हैं वेजीज डाल के, है ना, कांदा पोहा ले सकते हैं, पीनट्स मतलब ये चना, जो अपना चना हो गया, पीनट्स नहीं, एंड स्प्राउट्स जो है, हाँ गीता जी, एकदम हाँ बराबर, ठीक है। फिर मिड मॉर्निंग के अंदर आप मिक्स नट्स और सीड्स का कुछ बना सकते हैं, रोस्टेड चना ले सकते हैं, कोई फ्रूट ले सकते हैं, लंच के अंदर आप जवार भाकरी ले सकते हैं, मटकी की सब्जी ले सकते हैं, ककुम्बर मतलब जो ककड़ी है या कांदा है उसका सलाद बना के ले सकते हैं, मिड इवनिंग स्नैक में आप ब्लैक चना सलाद ले सकते हैं, पफ्ड राइस ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, डिनर के वक्त आप बाजरा खिचड़ी या सॉल्टेड वेजिटेबल्स दाल, ये खाली एक सैंपल है डाइट का, इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे सैंपल्स हैं जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा जब आप मेरे प्रोग्राम पे सेट होंगे, करेक्ट? ये वेस्ट का हो गया, अगर आप ईस्ट साइड से हैं, है ना, आप मिजोरम सिक्किम वो साइड से हैं तो आपका ये डाइट हो सकता है, अगर वो यहाँ पर आप खाते हैं तो मुंबई में रह के, अगर आप साउथ से हैं, साउथ इंडियन हैं, तो आपका ये डाइट है, ऐसे अलग अलग डाइट, ये नॉर्थ इंडियन है तो आपको ये डाइट प्लान दे सकता हूँ मैं, ऐसे अलग अलग डाइट प्लान मौजूद है हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर, जिसके द्वारा आपको बहुत सेहतमंद और हेल्दी रहने में हेल्प करेगा। हम देखिए, हम सब लोग को लगता है कि हम अच्छा खा रहे हैं मगर फिर बीमार क्यों पड़ रहे हैं, फिर सेहतमंद क्यों नहीं है हम, क्योंकि हमारा जो अच्छा खाना है ना उसको और अच्छा करने की समय आ गया है, तो ये प्रोग्राम के माध्यम से हम वो करेंगे, ठीक है, राइट? सो आई होप आपका अगला स्टेप ये है कि आपने मेरे साथ में जूम के ऊपर एक हेल्थ काउंसलिंग बुक करना है, राइट? और आपका जो हेल्थ रिस्क असेसमेंट है इसको करना है, ठीक है? इसको हम कैसे करेंगे, एक एक स्कैन मशीन है उसके ऊपर आपको खड़ा रखेंगे, और खड़ा रख के आपके मेजरमेंट्स जो है अलग अलग, जो बॉडी के अंदर कितना फैट एक्स्ट्रा है, कितना आपके मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ और ताकत कितनी है, उसका एक मेजरमेंट हम लेंगे, तो हम जब ये सब चीजें एक साथ में करेंगे, ये दो चीजें, तो उससे ये काम हो जाएगा, ठीक है, राइट? सो ये मेरा एक आइडिया आपको मैंने दिया मेरे गट रिसेट प्रोग्राम का, कि इसके द्वारा आपको ये बेनिफिट्स मिलता है। गट रिसेट का जो प्रोग्राम है इसका मैं, जैसे 100 दिन का ये प्रोग्राम चलता है ना, उसमें एक एक महीना जो है 30 दिन 30 दिन, 3 महीना 10 दिन चलेगा ये प्रोग्राम, तो 1 महीना जो है उसमें मेरा जो कंसल्टिंग फीस होता है वो 500 रुपया होता है, 500 रुपये के अंदर मैं आपको एवरी डे डाइट काउंसलिंग करता हूँ, आपको एवरी डे मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ, आपको एवरी डे मैं मेडिटेशन करवाता हूँ रात को सोने से पहले, आपका फूड प्लेट को करेक्शन करता हूँ, ऑलराइट? और पूरे महीने में 7, हर हफ्ते 1 दिन आपको मैं वन ऑन वन काउंसलिंग देता हूँ, है ना, 7 दिन तक आपका फूड प्लेट देखा, और 7वें दिन के ऊपर हम मिलेंगे जूम के ऊपर और हम डिस्कस करेंगे क्या समस्या आ रही है या क्या आगे चेंजेस करना है, तो ये 4 काउंसलिंग भी होती है वही 500 रुपए के अंदर, ठीक है?
तो ये सब उसके अंदर होता है। एंड इसके अलावा कोई सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो फिर मैं टाइम टाइम आपको सजेस्ट करता रहता हूँ, राइट। सो दिस इज बेसिकली हाउ द एंटायर प्रोग्राम इज डिजाइंड। इस तरीके से पूरा प्रोग्राम डिजाइंड है। आई होप, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का ये प्रोग्राम, राइट। एंड गीता जी, अब आपकी बारी, आप, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सर. आपण ऐकलं आता सगळ्यांनीच, सरांनी किती छान मार्गदर्शन केलं खाण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती कशा असाव्या. तरी मी फक्त 5 ते 7 मिनिटं मराठीत एकदा सांगते तुम्हाला की कसं असावं आपण, किंवा कशा प्रकारे आपली जी चयापचय क्रिया आहे, पचनाची क्रिया कशा प्रकारे सुरू होते ते सांगते थोडक्यात. जसं आपण बोलतो ना, आपल्याला आपले आई बाबा किंवा पूर्वी सारखं सांगायचे की अरे 32 वेळा घास चावून खा, 32 वेळा घास चावून खा. पण आपण तसं केव्हाच केलं नाही ना. आपल्याला एवढी घाई असते, गडगड गड कसं पण एकदाच गिळायचं बघतो, आणि परिणामी काय होतं तर आपल्या ज्या अन्नपचनाच्या खूप साऱ्या तक्रारी सुरू होतात. जसं की आपण बोलतो आपल्या शरीराच्या प्रत्येक भागामध्ये आहे ना वेगवेगळ्या अशा ग्रंथी आहेत, आणि त्यांचे काय म्हणतात पचनासाठी मदत करणारी पाचक द्रव्य, जसं आपल्या तोंडामध्ये पाचक रस आहे लाळ, ज्याला आपण पाचक रस म्हणजे पचनासाठी मदत करणारे हे रस असतात प्रत्येक आपल्या अवयवामध्ये. जसं तोंडामध्ये लाळ असते, जेवढा जास्त आपण घास चावतो ना तेवढी अधिक प्रमाणात लाळ मिक्स होते त्याच्यात, आणि तो घास हळूहळू गोड बनतो. गोड बनतो याचाच अर्थ जेव्हा आपण तिखट एखादा घास खातो आणि खूप वेळा चावून चावून तो गोड होतो, याचा अर्थ अर्ध पचन आपल्या तोंडातच होतं त्या पदार्थाचं, असा त्याचा अर्थ आहे. आणि मग काय होतं, हा जो घास आहे तो आपल्या अन्ननलिकेद्वारे येतो आपल्या स्टमक म्हणजे आपल्या जठरामध्ये, ज्याला आपण पोट म्हणतो, हो ना. आणि मग जठरामध्ये जेव्हा हे अन्न येतं ना, आपण जर हे पाहिलं अन्ननलिकेमधून पटकन अन्न जे आहे ते जठरामध्ये येतं, तिथून कुठेच ते अडकून राहत नाही नलिकेमध्ये. आणि जठरामध्ये मात्र ते बघा तुम्ही असं वक्र आहे स्टमक, मग जठरामध्ये अन्न 3 ते 5 तास राहतं. आपण म्हणतो ना अरे बापरे आज खूप आवडीचं जेवण होतं, भरपूर जेवलो, किती वेळ झाला पोट गच्चच वाटतंय, का होतं तर 4 ते 5 तास ते अन्न तिथेच आहे, एवढं पूर्ण भरल्यामुळे पोट त्याला जागाच भेटत नाहीये चयापचय क्रियेला, किंवा काय म्हणतात ते घुसळण्यासाठी. अन्न जठरामध्ये 3 ते 5 तासात तिथे अन्न घुसळलं जातं, अनेक पाचक रस त्याच्यात मिसळतात, आणि मग 3 ते 5 तासानंतर ते आपल्या लहान आतड्यामध्ये ढकललं जातं, बरोबर. आणि मग लहान आतड्यामध्ये जे आहे ना तिथे महत्वाच्या प्रक्रिया सुरू होतात ऍक्च्युली आपल्या, म्हणजे जेव्हा पूर्णपणे घुसळलेलं जठरातून अन्न लहान आतड्यामध्ये येतं ना, तेव्हा बरीचशी पाचक द्रव्य मिक्स होतात त्याच्यात, आणि आपण खाल्लेल्या अन्नातून आपल्या शरीराला जी पोषक द्रव्य हवी असतात, मिनरल्स, व्हायटामिन्स, जी खजिनं वगैरे, सो ही काय केली जातात लहान आतड्यात जेव्हा अन्न येतं ना, तेव्हा हे सगळी पाचक द्रव्य जी आहेत, पोषक घटक आहेत, ते रक्तवाहिन्यांद्वारे आपल्या शरीरामध्ये शोषले जातात. आणि म्हणून सगळ्यात इम्पॉर्टंट जो पार्ट आहे ना आपल्या शरीराचा तो आहे गट, म्हणजे आपलं लहान आतडं आणि मोठं आतडं, कारण इथे लहान आतड्यामध्ये पूर्ण क्रिया होते. आपल्या शरीरासाठी जे पोषक पदार्थ आहेत ते रक्तवाहिन्यांद्वारे शरीरभर पोचवले जातात, शोषित केले जातात, आणि मग लहान आतड्यामध्ये जो उरलेला चोथा आहे तो मोठ्या आतड्यामध्ये फेकला जातो, आणि मोठ्या आतड्यानं गेल्यावर तो गुदद्वाराद्वारे उत्सर्जित केला जातो, किंवा आपण म्हणतो बाहेर फेकला जातो चोथायुक्त, बरोबर ना. मग आपण हा जो सरांनी आपल्याला इतका वेळ एक्सप्लेन केला प्रोग्राम गट रिसेट, गट म्हणजे आपलं लहान आतडं आणि मोठा आतडं, मग हाच प्रोग्राम याच्यावरच का केला, तर आपण बघू आपलं जे 15 ते 20 मीटर लांब आहे आतडं, लहान आतडं आणि मोठा आतडं, आणि ते एका विशिष्ट पद्धतीने बघा कसं ऍडजस्ट झालेलं आहे आपल्या शरीरामध्ये. तर आपण जे अन्न आपल्या यकृतातून जठरामधून येतं ना, ते असं त्या अन्नाला खूप तास लागतात असं वळणं घेत 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 घेत, पूर्ण असं ती नलिका पूर्णपणे फिरून मग ते मोठ्या आतड्यात येईपर्यंत, हो की नाही, बराच कालावधी जातो या प्रोसेससाठी. आणि काय होतं असं हे वक्र असं फिरणारं असल्यामुळे आपण जे अन्न खातो, जे आपण त्यातले पाचक रस आपल्या रक्तनलिकेत शोषून घेतल्यानंतर जो चोथा राहतो ना, तो त्या आतड्यांना काही काही ठिकाणी चिकटून राहतो पूर्णपणे साफ. जर आपल्या शरीरात पाण्याचं प्रमाण कमी असेल, किंवा आपण आपण ज्या गृहिणी आहोत आपल्याला माहित आहे, आपण जेव्हा तळतो की नाही एखादा पुरी तळतो किंवा भजी तळतो,
त्यामुळे ती कढई कशी होते तेलकट, ती पटकन साफ होते का हो? नाही होत, तर त्याला आपल्याला 2 ते 3 वेळा घासावं लागतं तेव्हा ती स्वच्छ होते, हो ना? मग तसंच आहे, जेव्हा आपण हे बाहेरचं जे वेगवेगळा फूड किंवा खूप सारे तळलेले वगैरे पदार्थ खातो, तर त्याचा जो चिकट पदार्थ आहे ना, तो आपल्या आतड्यांना चिकटून वर्षानुवर्ष तो तिथे तसाच राहिलेला आहे. आणि म्हणतो ना, जिथे घाण आहे तिथे जास्त रोग जंतूंची पैदावार होते, हो की नाही? मग तसंच जास्तीत जास्त रोग जंतू हे आपल्या आतड्यांमध्ये असतात, आणि त्यामुळे मग ते विविध आजारांना हळूहळू सुरुवात होते. आणि म्हणून हा जो प्रोग्राम आहे ना, तो खास आपण गट म्हणजे आपलं जे लहान आतडं आणि मोठं आतडं यांना पूर्णपणे क्लीन करून मग आपण जे सुधारित अन्न घेणार आहोत ना, जेणेकरून आपल्या शरीराला ते एक पोषक किंवा पोषण प्रदान करेल असं ते अन्न असणार आहे. तर आय होप, मला वाटतं की आपल्या सर्वांना हे समजलं. सरांनी तर खूप सुंदर पद्धतीने हे एक्सप्लेन केलं होतं, तरी सुद्धा मी प्रयत्न केला थोडक्यात आपल्याला ते कसं समजेल. सो थँक यू सर, आप बोलिए जो अभी आगे. ऑल राइट, बढ़िया एकदम। थैंक यू सो मच गीता जी, आपने भी काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, राइट। और या सुबह सभी सबसे यही कहूंगा कि आपको जिन्होंने भी आज यहाँ पे इनवाइट किया है उनके साथ में आप कनेक्शन बनाइए, और बना के फिर मेरे साथ में आप एक वन ऑन वन अपॉइंटमेंट सेट करिए पहले, ठीक है। आपके काउंसलिंग का पहले ये तो देखें कि भाई आपके रिक्वायरमेंट क्या है, आपको हेल्थ की क्या समस्याएं हैं, बिकॉज अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग समस्याएं होंगी हेल्थ की। तो वो हेल्थ की चैलेंज के हिसाब से फिर मैं आपको प्रोग्राम डिजाइन करके दूंगा आपके लिए, कि आपको वो कैसे हम उसमें आगे लेकर जाएंगे इस प्रोग्राम के द्वारा, और आपको कैसे सेहतमंद लेकर जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलिए एक स्माइल करेंगे सब लोग, अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो। मैं एक फोटो ले रहा हूँ।